1:35 पर दिल्ली रवाना होना था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पर ही इंतजार कर रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान भी फंस गए हैं एयरपोर्ट पर, लखनऊ एयरपोर्ट पर शिवराज सिंह चौहान फंसे। इंडिगो की फ्लाइट से उनको 1:35 पर दिल्ली रवाना होना था, शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, शिवराज सिंह चौहान भी फंस गए हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर और इंडिगो की फ्लाइट से 1:35 पर उनको दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी अब एयरपोर्ट पर ही इंतजार कर रहे हैं। विपुल सक्सेना एविएशन एक्सपर्ट भी इस वक्त हमारे साथ में। विपुल जी, आपके पास वापस लौटूं, जरा एक बार सत्यप्रकाश की ओर रुक कर लेते। सत्यप्रकाश, क्या तस्वीर है मुंबई एयरपोर्ट की? बिल्कुल, देखिए मुंबई एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसा माहौल देखा जा रहा है कि किस तरह से लोग जो है अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कई फ्लाइटों को रद्द किया गया है, कई लोगों के बोर्डिंग पास जो है। आपके पास आए विपुल जी, एक सेकंड आपके पास वापस लौटे। विपुल सक्सेना जी, यहाँ तो शिवराज सिंह चौहान फंस गए हैं, लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं और अभी जिस तरीके से पूरा सर्वर ठप हुआ, क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती है, कितनी जल्दी रिकवरी हो सकती है? देखिए, इस तरह की जो घटना पहली बार हुई है, जो कि इतना बड़ा ग्लिच है जिससे अक्रॉस इंडस्ट्री पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है, तो मैं समझता हूँ एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें लंबा टाइम लगने वाला है, ये 1-2 घंटे में खत्म होने वाली नहीं है। पर डेफिनेटली ये जो सिस्टम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इमरजेंसी सर्विसेज के लिए दे डेफिनेटली हैव सम रूटिंग, जैसे कि एटलीस्ट जहाँ भी पब्लिक सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, पैसेंजर सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, जो कि इमीडिएट इम्पैक्ट हो सकती हैं, उनके डेफिनेटली स्टैंडर्ड सिस्टम्स होते हैं ताकि उनसे एटलीस्ट उनके इमरजेंसी ऑपरेशंस कंटिन्यू हो। तो मैं समझता हूँ 1-2 घंटे में वो रिस्टोर होनी चाहिए। एंड देन कुछ एयरलाइंस हैं जो अभी भी मैनुअल बोर्डिंग करा लेते हैं, तो आई थिंक एयरलाइन शुड डू मैनुअल बोर्डिंग और एटलीस्ट पैसेंजर को इंस्टेड ऑफ टर्मिनल में रोकने के बजाय बोर्डिंग करा के उनको आगे यू नो लॉन्च वगैरह में बैठा सकते हैं फॉर सम टाइम। उसके बाद अगर रिस्टोर नहीं होती है तो पैसेंजर कैन गो बैक। जरा आसान शब्दों में अगर जनता के लिए समझना चाहें तो ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर कैसे पूरी विमान सेवाओं को ठप कर देता है, कहां कहां पर इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, कैसे इसने पूरा का पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया है? देखिए, मेनली क्या होता है कि जितना भी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, चाहे आप पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम कर लीजिए, मैनेज सिस्टम कर लीजिए, लगेज मैनेजमेंट सिस्टम कर लीजिए, चाहे आप एयरक्राफ्ट एक रूप शेड्यूलिंग कर लीजिए, ये सारा सिस्टम जो है, ये पूरा शेड्यूलिंग टिकटिंग है, ओके, ये सारी चीजें जो है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर होते हैं। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये सारी सर्विसेज जो है कोलैप्स हो जाएंगी, वो काम ही नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं करेगा कोई भी इनपुट। तो जब ऐसा होगा तो इट इज लाइक ए ब्लैक आउट, लाइट चली गई तो क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते आप। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, बट देन आई एम श्योर एटलीस्ट पैसेंजर की टिकटिंग वगैरह जो है, उनके जो मैनिफेस्टेशन है, उनका एयरलाइंस कहने के अपने लोकल सर्वर पे भी कुछ डिटेल रखती होंगी, तो एटलीस्ट पैसेंजर मैनेजमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनको, एटलीस्ट मैनेज कर। लेकिन हम देख रहे हैं कि पैसेंजर मैनेजमेंट में ही दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को बाहर खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि आप मैनुअली हमको टिकट दे दीजिए, तो वो सब भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? तो ये केवल यही है कि आई थिंक कहीं ना कहीं इससे एक लेसन लर्न करना चाहिए एयरलाइंस को कि भाई फ्यूचर में इस तरह की इमरजेंसी है तो उनको इमीडिएटली इनको रेस्टोर करना चाहिए। आई थिंक ये लोग इस ऐसे को ड्रिल नहीं करते हैं कि भाई ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम आए तो भाई इमीडिएटली मैनुअल पर आ जाए, आई थिंक वहीं के प्रॉब्लम है। पर डेफिनेटली एयरलाइंस इस बारे में सोच रही होंगी कि मैनुअल उनका चेक इन करा के उनको लॉन्च में लाया जाए, तो उस टाइप कुछ टाइम लगे, लेकिन आई एम श्योर वही एक सोल्यूशन अभी दिखता है जिससे कि कुछ राहत मिले पैसेंजर्स को। बहुत शुक्रिया विपुल जी आपका बातचीत के लिए, हमारे साथ में विपुल जी का शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और एक बार सत्यप्रकाश का रुख करते क्योंकि पटना के हालात हमने जान लिए, सत्यप्रकाश शायद हमारे साथ में नहीं है इस वक्त, चलिए एक बार फिर से अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, अभी लोग क्या कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास में एक ऑप्शन है कि मैनुअली लोगों को चेक इन चेकआउट कराया जा सकता है, लेकिन वो भी हम देख रहे हैं कि कम से कम दिल्ली एयरपोर्ट में तो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो मैनेजमेंट है नहीं कर पा रहा है, पर पटना की बात करते हैं वहां पर क्या स्थिति है, मैनुअल की तरफ अभी मूव किया गया क्या?
नहीं देखिए, स्पाइस जेट और एयर इंडिगो की सर्विस में बुकिंग चेकिंग फ्लाइट में थोड़ी समस्या है, और इसी को लेकर के यहाँ पे मैन्युअली भी कुछ लोगों को एंट्री दी गई थी, बोर्डिंग पास दिए गए थे अभी से थोड़ी देर पहले, लेकिन ये कहा गया है कि अपने सिस्टम को 2 घंटे तक अपना अपने सिस्टम को ऑफ रखने के लिए कहा गया है। सिस्टम ब्लू स्क्रीन हो गया है, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन वो समस्या आ रही है। तो लोगों को यहाँ पे जो लोग हैं उससे कहा गया है कि मैन्युअली भी कुछ लोगों को दिया जाएगा अगर समस्या आएगी तो। उपेंद्र सिंह आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ में इस वक्त हैं। उपेंद्र जी, आईटी मंत्रालय ने यूं तो एडवाइजरी जारी की है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा स्क्रीन ब्लू हो गया है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है? क्या ये वाकई सिस्टम क्रैश हुआ है या फिर ये एक साइबर अटैक है? देखिए, अभी हम लोग भी इस चीज को रिसर्च कर रहे हैं फर्दर, बट जितना अभी तक हमारे को समझ में आया उससे ये है कि इसके ऊपर एक सिक्योरिटी पैच आया था, जो क्लाउड स्ट्राइक जो कि सिक्योरिटी हैंडल कर रही है, उन्होंने विंडोज में एक पैच डाला था लेट नाइट, और वो जो सिक्योरिटी पैच है वो मिस फंक्शन करा, जिस उसका लाइक दे ये जो सिक्योरिटी कंपोनेंट जो यूज कर रही है विंडोज, जिससे कि वो डिटेक्ट करती है कि कोई भी टाइप के हैक अटैक्स हैं कुछ और है, तो उसमें उसको पैच किया गया था। वो पैच जो है वो सही से काम नहीं किया, उसको क्राउड स्ट्राइक ने ऑलरेडी रोल बैक कर लिया हुआ है, सो उसकी वजह से वापस जैसे जैसे वो रोल बैक हो रहा है, जहां जहां जिन जिन सर्वर्स पे वो पैच अपडेट हो गया था तो वहां वहां ये प्रॉब्लम है, जैसे जैसे वो रोल बैक हो रहा है वैसे वैसे वो सर्वर्स वापस अप हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। और अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में कई बार ऐसी चीजें होती हैं, लाइक ह्यूमन मिस्टेक्स भी होती हैं, या कोई और भी रीजंस हो सकते हैं जिसको अभी रिसर्च किया जा रहा है, क्योंकि पैचेस या कोई भी अपडेट जब किया जाता है, ये कह सकते हैं कि रीजन फाइंड आउट करने से पहले अभी इस मैटर को रिजोल्व करना इंपॉर्टेंट है और उसी पर ही सबका फोकस है। बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत के लिए, और मेरे तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त परेशानी बढ़ती जा रही है, और कभी परेशानी सॉल्व होगी इसको लेकर अभी तमाम दावे हो रहे हैं।